बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक अपडेट्स के मौजूद नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ज़बान की हिफाजत। हज़रत उकबा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, निजात की क्या सूरत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी ज़बान को काबू में रखो और तुम्हारा घर तुम्हारे लिए गुंजाइश वाला होना चाहिए, यानी बला ज़रूरत घर से बाहर मत निकलो और अपने खताओं पर रोते रहो। फ़ायदा। बड़ी आफतों में से एक ज़बान की आफत है जो बज़ाहिर नहायत हल्की है और हकीकत में बहुत भारी है। इसी वास्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके संभालने की बहुत ताकीद फरमाई है, क्योंकि अक्सर आफतें ज़बान की बदौलत होती है। जब तक ज़बान नहीं चलती, ना किसी से लड़ाई होती है और ना अदालत में झगड़ा, और जहाँ ज़बान चली ये सब बातें मौजूद हो जाती है। इसका इलाज यह है कि जब कोई बात कहने का इरादा करे तो बिना सोचे समझे ना कह डाले। कम से कम 2-3 सेकंड ये सोच ले कि मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो मेरे मालिक के हकीकों को नाखुश कर देने वाली तो नहीं है। अगर इत्मीनान हो तो बोलना शुरू करो, मगर ज़रूरत के मुवाफिक, और अगर ज़रा भी हलचान हो तो खामोश रहो। इंशाल्लाह सहूलत से सब आपतों से हिफाजत रहेगी।